बेटा मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन को किया। आई होप कि सारी बातें आप समझ गए हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले एग्जाम्पल्स से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 20 है हमारे पास सबसे पहले, इसमें ए और बी दो मैट्रिसेस दी गए हैं और लिखा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। आपको सत्यापित करना है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ एक आव्यूह ए का दो बार ट्रांसपोज करना है और देखना है कि वो ए के बराबर आएगा कि नहीं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, वो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। के बी का ट्रांसपोज निकालो, उसकी वैल्यू के इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर आनी चाहिए। ये आपको सत्यापित करने हैं। एक एक करके हम सबको वेरीफाई करते चले जाते हैं। देखिए सबसे पहले यह हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको ए डैश बी डैश की जरूरत पड़ेगी। ए और बी हमारे पास हैं, ए डैश और बी डैश की हमको जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। ए का ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में बदल देंगे, 3√3 2 4 2 0, ये ए ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इनकी रो को कॉलम में बदल देंगे तो 2 -1 2, फिर 1 2 4, इस तरह से ए 2 -1 2 1 2 4, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमें ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज चाहिए। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज ये है आपके पास, इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज करिए आप। इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में बदलोगे, 3 4 रो है तो ये पहली कॉलम बन जाएगी, 3 4 √3 2 √3 2, फिर 2 0, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। और बेटा आप ध्यान से देखिए, यही तो ए के बराबर, 3 √3 2 4 2 0 4 2 0, ये ए के इक्वल आ गया। आप देखिए ए का हमने ट्रांसपोज यहाँ निकाला, फिर इसका फिर एक बार ट्रांसपोज निकाल दिया, ट्रांसपोज ऑफ ए, ए के परिवर्त का परिवर्त, वो जैसे ही हमने किया तो हमें ये ए मिल गया। पहली चीज सत्यापित हो गया, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। पहले मुझे ए प्लस बी निकालना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा पहले। सबसे पहले मुझे ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी पहले निकालू फिर उसका परिवर्त निकालना है। तो पहले ए प्लस बी निकालो, ए और बी जोड़ेंगे, मैं अलग अलग लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं जोड़ दूंगा। ऑर्डर दोनों के सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर क्या बना लेंगे, 5। √3 और -1 मिलेंगे तो √3 -1, 2 और 2 मिल जाएंगे तो 4, 4 और 1 मिलेंगे तो 5, 2 और 2 जुड़ करके बन जाएंगे 4, 0 और 4 जुड़ करके बन जाएंगे 4। ये a प्लस बी आया। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम बना दो इसका, 5 √3 -1 4, 5 4 4, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। अब हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, ट्रांसपोज ऑफ a ये है, ट्रांसपोज ऑफ b ये है, मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा, ट्रांसपोज ऑफ a ट्रांसपोज ऑफ b तो ऐड करने हैं, इन्हीं दोनों को ऐड करना है, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। √3 में -1 जोड़ोगे, √3 -1, 2 और 2 कितने होंगे, 4, 2 में ये 2 ऐड होगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 में 4 ऐड होगा तो भी 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी निकाला, ये वैल्यू आई, राइट हैंड साइड में आपने ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b निकाला, और दोनों को आप चेक करिए,
सेम वैल्यू मिल रही है. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी. ये सेकेंड पार्ट भी हमने सत्यापित कर दिया. थर्ड पार्ट सत्यापित करना है. इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए. पहले करना क्या है, चलिए अच्छा एक बार पहले नोट कर लेते हैं. करके ये दिखाना है कि सबसे पहले बी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, बी ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज में के से गुणा करने से जो कुछ आता है उसके बराबर आनी चाहिए. तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं. पहले लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले तो आप के बी निकालो. के लिखा, बी लिखो, 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2 1 2 4 1 2 4. एक अचर नंबर से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये मिलेगा 2k माइनस के 2k के 2k 4k. सारे एलिमेंट्स में करवा दिया. हमें तो kb का डैश चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, तो kb ये आ गया. अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो. ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना देंगे हम इसका. तो ये हो जाएगा 2k माइनस के 2k, फिर ये होगा k 2k 4k. ये ट्रांसपोज ऑफ kb आ गया. अब राइट हैंड साइड हम निकालेंगे. राइट हैंड साइड पे k इंटू बी डैश, k इंटू बी डैश, k की जगह हमने k लिखा, इंटू बी डैश. बी डैश की वैल्यू कितनी है, ये है बी डैश, 2 1 माइनस 1 2 2 4 2 1 माइनस 1 2 और लास्ट में 2 4. ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करवाइए. तो ये क्या होगा, 2k k माइनस k 2k 2k और ये 4k. इस तरह से अब आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ kb 2 ये वैल्यू आई थी और k इंटू ट्रांसपोज ऑफ b सेम वैल्यू आप मैच करिए, सेम वैल्यू आपको मिलेगी. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ के बी विल बी इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी. ये तीनों पार्ट हमने इसके सत्यापित कर दिए. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आपकी काम करें, प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. ओके, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 21. उसमें भी दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, एक मैट्रिक्स ए है माइनस 2 4 5, एक मैट्रिक्स बी है 1 3 माइनस 6. तो सत्यापित कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. ये सत्यापित करके आपको दिखाना है. कोई बात नहीं, हम इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे और इसके बाद मैच करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है. चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करिए. ए बी होल डैश है, पहले हम ए बी निकालेंगे. ए बी, ए की जगह पर मैट्रिक्स है हमारी माइनस 2 4 5 इंटू बी. बी की जगह पर जो मैट्रिक्स है देखो वो क्या है, ये है 1 3 माइनस 6. ठीक, मल्टीप्लाई करना है. इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3. पहली में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 3 बाई 3 ऑर्डर की मिलेगी आपको, 3 बाई 3 ऑर्डर की मिलेगी. A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2. A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 6. A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस 2 को माइनस 6 से किया तो 12. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4. फिर A21 4 इंटू 3 12. 4 इंटू माइनस 6 24. 5 इंटू 1 5 इंटू 3 5 इंटू
माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करवाना, हम आपको कई बार बता चुके हैं इसलिए आप कर सकते हैं। ये ए बी की वैल्यू आ गई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे मतलब ए बी में रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। ए बी के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करो, इसकी फर्स्ट रो है माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व। ओके अच्छा, सेकेंड रो है फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर, फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर। थर्ड रो है फाइव फिफ्टीन माइनस थर्टी, फाइव फिफ्टीन माइनस थर्टी। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल करके आ गई। बेटा देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकाल लिया, अब हम बी डैश इंटू ए डैश करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड पे है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। पहले तो बी का ट्रांसपोज करो, ये बी है, बी का ट्रांसपोज करोगे इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो। इसकी रो में है वन थ्री माइनस सिक्स, तो एक कॉलम बन जाएगा वन थ्री और माइनस सिक्स, बस एक ही रो है इसलिए एक ही कॉलम बनेगा। फिर ए का डैश निकालेंगे इनटू ए डैश, यानी कि ए का भी ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो तो ये कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दो। माइनस टू फोर फाइव कॉलम में लिखे हैं तो माइनस टू फोर फाइव रो में आ जाएंगे। तो ये ए और बी की वैल्यूज है, ये बी डैश और ये ए डैश बन गया। इसका ऑर्डर क्या है, थ्री इंटू वन, इसका ऑर्डर वन इंटू थ्री। फर्स्ट में कॉलम्स का नंबर, सेकेंड में रोज के नंबर के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा थ्री बाई थ्री। बी डैश इंटू ए डैश मल्टीप्लाई करिए, ए वन वन, अब आप जानते हैं पहले वन को इससे फिर इससे फिर इससे, तो वन को माइनस टू से किया माइनस टू, वन को फोर से करेंगे फोर, वन को फाइव से करेंगे तो फाइव, थ्री को माइनस टू से करेंगे माइनस सिक्स, थ्री को फोर से करेंगे ट्वेल्व, थ्री को फाइव से करेंगे फिफ्टीन, माइनस सिक्स को माइनस टू से करेंगे ट्वेल्व, माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस थर्टी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मिलाइए, माइनस टू फोर फाइव माइनस टू फोर फाइव, माइनस सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन, माइनस सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन, 12 माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी, 12 माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट ए बी, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। प्रूव हो गया, ये हमने कर लिया कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 21। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 22 पर आते हैं, और 22 लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद से एक्सरसाइज आ जाएगी, तो जल्दी से आप नोट कर लें इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा 22, जिसमें एक आव्यूह आपको बी दिया गया है, 2 माइनस टू माइनस फोर, टू माइनस टू माइनस फोर, माइनस वन थ्री फोर, माइनस वन थ्री फोर, वन माइनस टू माइनस थ्री, वन माइनस टू माइनस थ्री। अब उन्होंने बोला क्या है, लिखा है इसको एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक मैट्रिक्स बी है, आपको इसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। याद करिए कल या पिछली क्लास में आपको एक थ्योरम बताई गई थी, थ्योरम टू, जिसमें आया था कि अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो आप उसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह में परिवर्तित कर सकते, एक सममित सॉरी आई एम सॉरी किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या तरीका आपको बताया गया था, a इज इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाई टू ए माइनस ए डैश, जिसमें से ये कैसा था, ये सममित आव्यूह था, और ये कैसा था, ये विषम सममित आव्यूह था। तो किसी भी आव्यूह को हम एक किसी भी आव्यूह को हम एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
ठीक है, यही काम मुझे इसके साथ करना है। तो अगर a होता तो a प्लस ए डैस बाई टू प्लस ए माइनस ए डैस बाई टू करते। b है तो क्या करना रहेगा हमको, b है तो हम इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, b इज इक्वल टू वन बाई टू बी प्लस बी डैस प्लस वन बाई टू बी माइनस बी डैस, जिसमें से ये कैसा रहेगा, ये सीमेट्रिक होगा, सममित आव्यूह होगा। ये कैसा होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा, स्क्यू सीमेट्रिक, स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ये। और ये एक मैट्रिक्स है, इसको इस तरीके से हम दो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना है, लेकिन इसके लिए वो क्या जरूरत है, एक बी चाहिए एक बी डैश चाहिए। बी हमारे पास है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज इसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो टू माइनस टू माइनस फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू माइनस थ्री, ये बी डैश आ गया। अब हम 1 बाई टू बी प्लस बी डैश अलग निकाल लेंगे, 1 बाई टू बी माइनस बी डैश अलग निकाल लेंगे। पहले हम निकालते हैं 1 बाई टू बी प्लस बी डैश, तो 1 बाई टू को हमने 1 बाई टू लिखा, b प्लस बी डैश, बी को और बी डैश को जोड़ दीजिए, b ये है बी डैश ये है, इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, इसको और इसको, क्रम बराबर है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए डायरेक्ट। 2 और 2 ऐड होके 4 हो गए, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 4 और 1 अगेन माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 और 3 6, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 4 प्लस 2, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। ये क्या आ गया, 1 बाई टू बी प्लस बी डैश। अब ये 1 बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1 बाई टू करेंगे तो 2 बचेगा, ये माइनस 3 बाई टू माइनस 3 बाई टू माइनस 3 बाई टू, 6 बाई टू करेंगे तो 3 होगा, ये 1, फिर यहाँ करेंगे इट इज अगेन माइनस 3 बाई टू, 2 बाई टू करेंगे इट विल बी 1, माइनस 6 बाई टू करेंगे तो माइनस 3। ये वैल्यू आ गई 1 बाई टू बी प्लस बी डैश की। इसी तरीके से अब 1 बाई टू बी माइनस बी डैश निकालेंगे, 1 बाई टू बी माइनस बी डैश। अब देखो ये सममित आव्यूह बना कि नहीं बना, विकर्ण में कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके बराबर होना चाहिए तो है, ये इसके बराबर होना चाहिए तो है, और ये इसके बराबर होना चाहिए तो भी है, ठीक, सममित आव्यूह है ये। अब 1 बाई टू बी माइनस बी डैश, बी माइनस बी डैश, बी में से बी डैश को माइनस करेंगे आप, 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0, माइनस 2 में माइनस 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 4 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस 4 माइनस 1 दिस विल बी माइनस 5। अब माइनस 1 में माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 दैट इज प्लस 1, आप करके देख लीजिएगा, 3 माइनस 3 दिस विल बी 0, 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 6, 1 माइनस माइनस 4 दिस इज 5, माइनस 2 माइनस 4 दिस इज माइनस 6, माइनस 3 माइनस माइनस 3 0। अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1 बाई टू से इस पे, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टू बी माइनस बी डैश, 0 से तो 0, माइनस 1 बाई टू माइनस 5 बाई टू, 1 बाई टू 0, 6 बाई टू तो 3 हो गया, 5 बाई टू माइनस 3 0, ऐसा, ठीक है। अब देखो ये विषम सममित हुआ कि नहीं हुआ, विकर्ण के सारे अवयव 0,
ये नंबर सेम बस अपोजिट साइन, नंबर सेम अपोजिट साइन, नंबर सेम अपोजिट साइन, विषम सममित आव्यूह हो गया। तो ये सममित मिल गया, ये विषम सममित मिल गया, अब हम इस बी को इसके बराबर लिख सकते हैं। देयरफोर बी मैट्रिक्स क्या है, ये है 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1/2b + b', ये है 2 - 3/2 - 3/2 - 3/2 - 1 - 3/2 - 1 - 3। फिर प्लस लिखा हमने 1/2b - b', 1/2b - b', ये है 0 - 1/2 - 5/2 1/2 - 0 - 3 5/2 - 3 - 0। अब आप देखें ये हमारा आव्यूह कौन सा था, बी जो दिया गया आव्यूह था, ये है हमारी गिवेन मैट्रिक्स। और इस गिवेन मैट्रिक्स को दो आव्यूहों के योग के रूप में हमने बनाया है, और इन दोनों आव्यूहों में से ये कैसा है, सिमेट्रिक सममित, और ये कैसा है, ये विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, आप करके देख सकते हो। देखो दो में जीरो जोड़ोगे दो मिलेगा, -3/2 - 1/2 - 4/2 - 4/2 मतलब -2, ये आ गया -3/2 - 5/2 - 8/2 - 4, ये आ गया। आप दोनों को जोड़ के देखे वही आ जाएगा, लेकिन इस एक वर्ग आव्यूह को दो, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमको इस एग्जाम्पल नंबर 22 पे करना था। आई होप कि ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए। एक काम कर लेते हैं बेटा, आज हम लोग बस इतने ही एग्जाम्पल रख लेते हैं, ठीक है? इसके आगे हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास पे कर लेते हैं। ओके, तो इतने ही रख लें मैथमेटिक्स में आप। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।